हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू सी प्रैक्टिस सेट 3.1 पार्ट 4। इसके पहले की वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 पार्ट 3 देखा था। पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th हमने सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आई बटन पे दिया गया, वहाँ जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो प्रैक्टिस सेट 3.1 में जो क्वेश्चन नंबर 5th दिया गया उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पे जो कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं क्वेश्चन में उसे हमें क्लासीफाई करना है कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम देख लेते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है एंड क्यूबिक क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पहले हम देख लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। फर्स्ट वन, लीनियर पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल को आप लीनियर कब कहोगे? पॉलिनोमियल में अगर जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो 1 होगा, लाइक अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है देन इट इज़ नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल देख लेते हैं, 5x प्लस 3 2x 32y। भाई यहाँ पे जो कुछ एग्जांपल दिया गया, यहाँ पे देखोगे आप जो वेरिएबल दिया गया है, वेरिएबल का जो डिग्री है क्या है, 1 है। इसका पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे भी पावर क्या है, वाई के साथ में 1 है। तो वेरिएबल की डिग्री अगर 1 होगी, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, तो क्या होगा, उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वन इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। क्वाड्रेटिक मीन्स 2। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो, डिग्री 2 अगर किसी पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होगा तो उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं 3x² प्लस 2x या फिर 5x² प्लस 3x प्लस 7 या फिर 2y² प्लस 5। तो इस तरीके से यहाँ पे जो डिग्री है क्या है, वेरिएबल की डिग्री यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी वेरिएबल की डिग्री क्या है, 2 है, यहाँ पे भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है दैट इज़ अ 2। तो इस तरीके के वेरिएबल जिसमें कि हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक हमें नाम से ही पता चला है, क्यूबिक, क्यूब हम कब बोलते हैं, x पावर 3 जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, x क्यूब बोलते हैं। क्यूब मतलब 3 होना। तो यहाँ पे अगर हाईएस्ट डिग्री क्यूबिक पॉलिनोमियल कब होगा, अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 3, जिसमें कि डिग्री 3 होगी, डिग्री 3। अगर किसी पॉलिनोमियल में डिग्री 3 है देन इट इज़ नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस बेस पे हम जो है वो कोई भी क्वेश्चन में दिया गया पॉलिनोमियल वो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5th दिया गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5th पे मूव करते हैं, जो टेक्स्ट बुक में दिया गया क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 2x² + 3x + 1। अभी यहाँ पे आप देखकर बताइए, 2x² + 3x + 1 ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का, 2, क्योंकि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 2 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, यहाँ पे 2 है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 2 होता है तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है दैट इज़ 2, दिस इज़ द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो हाईएस्ट पावर 2 के साथ में जो पॉलिनोमियल फॉर्म होता है दैट इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x² + 3x + 1 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसमें जो डिग्री है दैट इज़ द 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पी, सेकेंड वन इज़ द 5p। अभी आप ये क्वेश्चन देखकर बताइए, जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है फिर पॉलिनोमियल दिया गया, यहाँ पे जो पी वेरिएबल है इसका डिग्री क्या है, कोई मेंशन किया गया नहीं, मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। तो पी का पावर 1 है। जब वेरिएबल का पावर 1 होगा तो हमने क्या देखा था कि अगर किसी भी वेरिएबल का पावर 1 है तो वो किस तरीके का पॉलिनोमियल होता है, दैट इज़ नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम बोल सकते हैं कि 5p, इस तरीके से हम आंसर में लिखेंगे या फिर सॉल्यूशन में, 5p इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है ये, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, रीज़न क्या होगा, क्योंकि इसकी डिग्री जो है 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd,
स्क्वायर रूट ऑफ टू वाई माइनस वन अपॉन टू. दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया स्क्वायर रूट ऑफ टू वाई माइनस वन अपॉन टू. इसे हमें बताना है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो वेरिएबल दिया गया है दैट इज द वाई. वाई के साथ में पावर क्या है, वन है. तो हम इसे क्या बोले, डिग्री या फिर पावर वेरिएबल का वन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ टू वाई रेस टू स्क्वायर रूट ऑफ टू वाई माइनस वन अपॉन टू इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है डिग्री वन है. ठीक है, यहाँ पे पावर क्या है, वन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एम क्यूब प्लस सेवन एम स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन टू एम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेवन. एम क्यूब प्लस सेवन एम स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन टू एम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेवन. ये क्वेश्चन दिया गया है, ये पॉलिनोमियल दिया गया है. यहाँ पे वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो हम चेक करते हैं. वेरिएबल एम दिया हुआ है, यहाँ पे पावर वन है, यहाँ पे पावर टू है, यहाँ पे पावर थ्री है. जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है उसी के ऊपर हम क्लासीफाई करते हैं कि गिवन पॉलिनोमियल इज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे जो पावर है वेरिएबल का दैट इज़ द थ्री. थ्री मतलब क्यूब. ओके, तो क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, एम क्यूब प्लस सेवन एम स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन टू एम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेवन इज अ कैसा पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, थ्री है, इज अ क्यूबिक. अगर पावर हाईएस्ट जो है वो थ्री होगा वेरिएबल का तो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्लियर. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो दिया गया है दैट इज द ए स्क्वायर. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ए स्क्वायर, ये कौन सा पॉलिनोमियल है ये आप बताइए. पावर क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर क्या है या फिर वेरिएबल का डिग्री हम बोल सकते हैं क्या है यहाँ पर, टू है. ओके, तो अगर वेरिएबल की डिग्री टू होगी या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल टू है तो किस तरीके का वो पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक. सो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, थ्री आर क्यूब. क्वेश्चन नंबर सिक्स जो दिया गया दैट इज़ द थ्री आर क्यूब. यहाँ पे वेरिएबल क्या है, आर यूज किया गया है. वेरिएबल का जो पावर हाईएस्ट है दैट इज़ द थ्री. किसी वेरिएबल का पावर थ्री है तो इस तरीके का जो पॉलिनोमियल होगा उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यों, क्योंकि पावर थ्री है. तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे, थ्री आर क्यूब इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है. क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर थ्री है. ओके, आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो दिया गया था, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो सॉल्व किया. तो आज का इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए. अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के साथ में. थैंक यू.